भी मित्रों को जय श्री राम। आज श्री यंत्र की संपूर्ण जानकारी दे रहे हैं, तो आप ध्यान से सुने, जानिए कि श्री यंत्र क्या है, श्री यंत्र का प्रभाव क्या होता है, दोष या बाधा निवारण में यंत्रों का उपयोग कब और कैसे करें, कैसे रचना की जाती है श्री यंत्र की। यह सर्वाधिक लोकप्रिय प्राचीन यंत्र है। इसकी अधिष्ठात्री देवी स्वयं श्री विद्या अर्थात त्रिपुर सुंदरी है और उनके ही रूप में इस यंत्र की मान्यता है। यह बेहद शक्तिशाली ललिता देवी का पूजा चक्र है। इसको त्रैलोक्य मोहन अर्थात तीनों लोकों का मोहन यंत्र भी कहते हैं। यह सर्व रक्षा कर सर्व व्याधि निवारक सर्व कष्ट नाशक होने के कारण यह सर्व सिद्धिप्रद सर्वार्थ साधक सर्व सौभाग्यदायक माना जाता है। इसे गंगाजल और दूध से स्वच्छ करने के बाद पूजा स्थान या व्यापारिक स्थान तथा अन्य शुद्ध स्थान पर रखा जाता है। इसकी पूजा पूरब की तरफ मुंह करके की जाती है। श्री यंत्र का सीधा मतलब है लक्ष्मी यंत्र, जो धनागम के लिए जरूरी है। श्री यंत्र अलौकिक शक्ति व चमत्कारों से परिपूर्ण गुप्त शक्तियों का प्रजनन केंद्र बिदनु कहा गया है। जिस प्रकार से सब कवचों से चंडी कवच सर्वश्रेष्ठ कहा गया है, उसी प्रकार से सभी देवी देवताओं के यंत्रों में श्री देवी का यंत्र सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। इसी कारण से इसे यंत्र राज की उपाधि दी गई है। इसे यंत्र शिरोमणि भी कहा जाता है। दीपावली, धनतेरस, बसंत पंचमी अथवा पौष मास की संक्रांति के दिन यदि रविवार हो तो इस यंत्र का निर्माण व पूजन विशेष फलदायी माना गया है। सर्वाधिक रहस्यमय श्री विद्या के यंत्र स्वरूप को श्री यंत्र या श्री चक्र कहते हैं। यह एकमात्र ऐसा यंत्र है जो समस्त ब्रह्मांड का प्रतीक है। श्री शब्द का अर्थ लक्ष्मी, सरस्वती, शोभा, संपदा, विभूति से किया जाता है। यह यंत्र श्री विद्या से संबंध रखता है। साधक को लक्ष्मी, संपदा, विद्या आदि की श्री देने वाली विद्या को ही श्री विद्या कहा जाता है। श्री यंत्र को यंत्र राज भी कहा जाता है। इसे यंत्रों में सर्वोत्तम माना गया है। कलियुग में कामधेनु के समान ही है, जो साधक को पूर्ण मान सम्मान और प्रतिष्ठा प्रदान करता है। श्री यंत्र को कल्पवृक्ष भी कहा गया है, जिसके सान्निध्य में सारी कामनाएं पूर्ण होती हैं। श्री विद्या के यंत्र को श्री यंत्र कहते हैं या श्री चक्र कहते हैं। यह अकेला ऐसा यंत्र है जो समस्त ब्रह्मांड का प्रतीक है। श्री शब्द का अर्थ लक्ष्मी, सरस्वती, शोभा, संपदा, विभूति से किया जाता है। यह यंत्र श्री विद्या से संबंध रखता है। श्री विद्या का अर्थ साधक को लक्ष्मी, संपदा, विद्या आदि हर प्रकार की श्री देने वाली विद्या को कहा जाता है। यह परम ब्रह्म स्वरूपिणी आदि प्रकृतिमयी देवी भगवती महात्रिपुर सुंदरी का आराधना स्थल है। यह चक्र ही उनका निवास एवं रथ है। यह ऐसा समर्थ यंत्र है कि इसमें समस्त देवों की आराधना उपासना की जा सकती है। सभी वर्ण संप्रदाय का मान्य एवं आराध्य है। यह यंत्र हर प्रकार से श्री प्रदान करता है, जैसा कि दुर्गा सप्तशती में कहा गया है, आराधिता सैव नृणा भोग स्वर्गा पवर्गा। आराधना किए जाने पर आदिशक्ति मनुष्यों को सुख भोग स्वर्ग अपवर्ग देने वाली होती है। उपासना सिद्ध होने पर सभी प्रकार की श्री अर्थात चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति हो सकती है। इसीलिए इसे श्री यंत्र कहते हैं। इस यंत्र की अधिष्ठात्री देवी त्रिपुर सुंदरी है। इसे शास्त्रों में विद्या, महाविद्या, परम विद्या के नाम से जाना जाता है। वामकेश्वर तंत्र में कहा है, सर्वदेव मई विद्या, दुर्गा सप्तशती में विद्यासी सा भगवती परमाही देवी, हे देवी तुम ही परम विद्या हो। इस महाचक्र का बहुत विचित्र विन्यास है। यंत्र के मध्य में बिंदु है, बाहर भूपुर, भूपुर के चारों तरफ चार द्वार और कुल 10 प्रकार के अवयव हैं, जो इस प्रकार हैं: बिंदु, त्रिकोण, अष्टकोण, अंतरदशार, बहिर्दशार, चतुर्दशार, अष्टदल कमल, षोडशदल कमल, तीन वृत्त, तीन भूपुर। इसमें चार ऊर्ध्वमुख त्रिकोण है, जिसे श्रीकंठ या शिव त्रिकोण कहते हैं। 5 अधोमुख त्रिकोण होते हैं, जिन्हें शिव, युवती या शक्ति त्रिकोण कहते हैं। आदि शंकराचार्य ने सौंदर्य लहरी में कहा, चतुर्भी श्रीकंठे शिवयुवती भी पश्चभिर्पी। नवचक्रों से बने इस यंत्र में 4 शिव चक्र, 5 शक्ति चक्र होते हैं। इस प्रकार इस यंत्र में 43 त्रिकोण, 28 मर्म स्थान, 24 संधियां बनती हैं। 3 रेखा के मिलन स्थल को मर्म और 2 रेखाओं के मिलन स्थल को संधि कहा जाता है। अब हम आपको श्री यंत्र का मूल मंत्र बता रहे हैं। हमने इसको कई बार जाप करा है, इसको ध्यान पूर्वक सुने और आप भी लाभ उठाएं। हम आपको इसका 5 बार पाठ करके याद करने के लिए दे रहे हैं, तो ध्यान से सुनिए।
श्री यंत्र का मूल मंत्र ओम श्रीन हरी श्रीन कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीन हरी श्रीन ओम महालक्ष्मी नमः। ओम श्रीन हरी श्रीन कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीन हरी श्रीन ओम महालक्ष्मी नमः। ओम श्रीन हरी श्रीन कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीन हरी श्रीन ओम महालक्ष्मी नमः। ओम श्रीन हरी श्रीन कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीन हरी श्रीन ओम महालक्ष्मी नमः। ओम श्रीन हरी श्रीन कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीन हरी श्रीन ओम महालक्ष्मी नमः। ओम श्रीन हरी श्रीन कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीन हरी श्रीन ओम महालक्ष्मी नमः।